परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए इस तरह से परमेश्वर के वचन के सामने बैठना मेरे और आपके लिए जीवन में एक बहुत धन्य बात है। आज हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संडे शाम का यह समय जस्ट दुनियावी आनंद के लिए बिता रहे हैं। मैं और आप भी यही कार्य कर सकते थे कि शाम का समय दुनियावी आनंद के लिए बिताएं, लेकिन उन सबको छोड़कर हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों ने इस तरह से समय निकालकर परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जो अलग किया है और पूर्ण समर्पण के साथ यहाँ पर जो पधारे हैं, आप लोगों के मन की इस भावना को समझकर प्रभु हर तरह से आपको आत्मिक अनुग्रहों से भरपूर करें। आज के अध्ययन के लिए मैं प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत सुनाए थे उनमें से एक दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसको हम लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, यदि आपके पास बाइबल का ये संस्करण हो तो इसमें पेज 116, नहीं हो तो फिक्र ना करें, क्योंकि मैं आपके सामने एक एक करके वो जो भी स्टेटमेंट्स हैं बाइबल के वो पढ़ने जा रहा हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली प्रभु यीशु ने अपने 30 साल की उम्र में अपनी पब्लिक सेवा शुरू की थी, और जब उन्होंने अपनी पब्लिक सेवा शुरू की तब से ही प्रभु उस समाज में जो सबसे लाचार और ऐसे लोग जो सबसे पापी थे वैसे लोगों के बीच में खूब समय बिताना शुरू किया, क्योंकि प्रभु के इस संसार में आने का उद्देश्य ही हर व्यक्ति को एक नव जीवन देना है, और जो व्यक्ति घोर पापों में जीवन बिताता है उस व्यक्ति को प्रभु के पास लाना, परमेश्वर के पास लाना बहुत जरूरी है, और इस कारण प्रभु उन लोगों को इतना अधिक समय देते थे। एक बार जब इस तरह से प्रभु कुछ अपना शिक्षा कार्य कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि अरे बाप रे, ये प्रभु क्यों पापियों और ऐसे बुरे लोगों के साथ इतना समय बिताते हैं। तो प्रभु अपने शिष्यों को और जो प्रभु के अनुयायी लोग थे उनको बताना चाहते थे, देखो तुम किसके साथ समय बिताते हो, कहाँ बिताते हो, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात है, और वो ये है कि परमेश्वर ने तुमको जीवन में जो अवसर दिया है उस अवसर का उपयोग तुम कैसे करते हो, क्योंकि अंत में जब हिसाब लिया जाएगा तो हिसाब इस बात का नहीं होगा कि तुम किस कॉलेज में पढ़े, तुमने कहाँ नौकरी की और किस तरह के मकान में रहे, बल्कि हिसाब इस बात का लिया जाएगा कि तुम कौन थे और तुमको प्रभु ने क्या दिया और तुमको प्रभु ने जो दिया उससे तुमने क्या किया। इसको स्पष्ट करने के लिए 19वें अध्याय के 11वें पद में हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुन लें। वे ये बातें सुन रहे थे तो प्रभु यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा। एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। एक्चुअली पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि 10 मोहर जब बोलते हैं तो मैंने और आपने कभी मोहर देखा नहीं है। मैंने देखा है क्योंकि मुझे सिक्कों का बड़ा शौक है, इसलिए देखा है, लेकिन शायद आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन करेक्ट इसका अनुवाद जो है वो उस जमाने में सोने के टुकड़े होते थे, सोने के पिंड, जो लगभग 1.5 किलोग्राम वजन के होते थे। तो कहने का मतलब यह है कि स्वामी ने दासों में से सेलेक्टेड 10 लोगों को बुलाया और उनमें से हर एक को लगभग 1.5 किलोग्राम सोने का एक टुकड़ा दे दिया। आज के हिसाब से आप खुद सोच सकते हैं कि वो काफ़ी बड़ी राशि थी। अच्छा, लेकिन सोने का 1.5 किलोग्राम का टुकड़ा वो बहुत छोटा होता है। सोना लोहे से 3 गुना ज़्यादा भारी होता है। तो हम जानते हैं कि लोहे का 1 किलोग्राम का जो बांट है वो जरा सा होता है, सोना उससे भी 1/3 उसका जो साइज़ होता है, और उसको बड़े आराम से आप जेब में डाल सकते हैं।
लेकिन उसकी वैल्यू बहुत है, तो स्वामी ने दासों से कहा कि लो इसको अपने पास रखो। लेकिन सिर्फ इतना नहीं बोला, प्रभु ने उसके साथ एक स्टेटमेंट और बोला, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। यहां दो तीन बातें समझना जरूरी है। स्वामी ये कोई ऑर्डिनरी दुनिया का आदमी नहीं है। प्रभु इस उदाहरण में जिस स्वामी के बारे में बोल रहे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और यहां दस दासों को जो बुलाया था ये जस्ट घर के नौकर नहीं है, मेरे और आपको बताता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमको नया जीवन प्रदान किया तो उसके साथ साथ हम ना केवल परमेश्वर के पुत्र बन गए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की सेवा करने के लिए वे स्वामी और हम दास हैं। और इसलिए हमको समझना चाहिए कि यहाँ पर प्रभु ने जो कहा ये मेरे और आपके जीवन के बारे में है, मुझसे और आपसे हमारे स्वामी, अनंत स्वामी, सर्वशक्तिमान स्वामी किस तरह से हमसे बिहेव करते हैं, किस तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं, इसके बारे में है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि स्वामी ने यदि सारे दासों को डेढ़ डेढ़ किलो सोना दिया, तो वो जो डेढ़ डेढ़ किलो सोना दिया था उसका क्या मतलब है? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं तो उस समय हमको प्रभु की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता है। ये एक एक्चुअली इस कहानी का एक मर्म है, और वो मर्म ये है कि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है उस व्यक्ति को अपने आत्मिक जीवन में प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु एक भारी पूंजी दे देते हैं। हम सब जानते हैं कि बिजनेस करने के लिए पूंजी की ज़रूरत है। और यदि मैं यदि आप लोगों से कहूं कि भैया अपने अपने गांव लौट जाओ और गांव में जाके कोई बढ़िया सा बिजनेस करो, तो इमीडिएटली आप कहेंगे कि अंकल जी यदि गांव में जाके बिजनेस करना है तो उसके लिए पूंजी चाहिए। कौन है जो अपने गांव से दूर रहना चाहता है, और इसलिए यदि पूंजी मिल जाए तो मैं जाके निश्चित रूप से अपने गाँव में बिजनेस शुरू कर दूंगा। तो वही पूंजी वाला वो जो वही धारणा है जो प्रभु ने यहाँ बताई है। दस गुलामों को बुलाया, दस लोगों को जितना वो सोच सकते थे उससे ज़्यादा पूंजी दे दी। और पूंजी देने के बाद प्रभु ने उसके साथ एक बात और कही, जाओ और इसका उपयोग करो। मेरी वाणी जो लोग सुन रहे हैं इसमें से कई लोगों ने प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है। जिस क्षण आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया था वो क्षण है जब प्रभु ने आपको अपने आप पास बुलाकर आपको आपके आत्मिक जीवन में उपयोग करने के लिए पूंजी दे दी है। ना केवल पूंजी दे दी है, उस पूंजी के बारे में हमको दो तीन बातें समझनी चाहिए। नंबर वन, प्रभु के द्वारा दी गई पूंजी है। नंबर टू, उसकी वैल्यू या उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि मैं और आप अपने बल पर इतनी पूंजी कहीं से भी नहीं ला सकते थे। प्रभु ने अपनी तरफ से दे दिया है, और देने के बाद मुझसे और आपसे कहा है कि देखो मैंने तुमको पूंजी दे दी है, अब कुछ समय तुमको छोड़ रहा हूं जिससे कि तुम अकेले उसका विनिमय करो, लेकिन विनिमय करना जरूरी है। जब प्रभु ने पूंजी दी और विनिमय करने को बोला तो सारे दास इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि प्रभु इसका हिसाब मांगेंगे, क्योंकि पूंजी तो हमारी नहीं है तो इसलिए हिसाब तो देना पड़ेगा। ये सारी बातें वो लोग जानते थे। अब सवाल यह है कि मेरे और आपके जीवन में ये पूंजी क्या है? बहुत सी बातें हैं जो प्रभु ने हमको अपने जीवन में पूंजी के रूप में दी है। उदाहरण के लिए नौकरी। मेरे और आपके समान हजारों बल्कि लाखों लोग हैं जो आज सारे हिंदुस्तान में बिना नौकरी के भटक रहे हैं। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिना नौकरी के भटक रहे हैं, लेकिन प्रभु की दया है कि प्रभु ने मुझे और आपको रोजगार दिया है, नौकरी दी है। साल में 365 दिन नहीं तो इसके बावजूद इतनी तो नौकरी दी है प्रभु ने कि हम भरपेट खा रहे हैं आज,
और अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रभु ने हमको जो नौकरी दी है वो हमारी पूंजी है और उसका उपयोग हमेशा प्रभु के लिए करना है, ये जरूरी है। प्रभु ने हमको समय दिया है, मुझे और आपको हर दिन जब हम सोकर उठते हैं तो 24 घंटे मिलते हैं, ना ज़्यादा ना कम। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि प्रभु आपको तो 24 घंटे दे रहे हैं, मुझे एक दिन में 24 घंटे नहीं मिल पाते। नहीं, प्रभु ने हम सबको 24 घंटे दिए हैं और ये 24 घंटे भी एक बहुत बड़ी पूंजी है, क्योंकि समय का उपयोग हम किस तरह से करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमको रिटर्न, हमको क्या फायदा होता है जीवन में। मैं जब MSc के बाद जब नौकरी कर रहा था तब अखबार में एक छोटा सा चित्र आया था जिसको मैंने काट के अपने बाइबल में रख लिया था और लगभग रोज बाइबल खोलते समय उसको देखता था, क्योंकि कहाँ तक पढ़ा है उसका निशान के लिए मैं उस पेपर को यूज़ करता था। तो जब भी अगले दिन आप बाइबल पढ़ने के लिए खोलेंगे तो आपके सामने आता है। वहाँ एक बाकायदे एक आदमी एक पेड़ के ऊपर नोटिस ठोक रहा है। नोटिस पर लिखा हुआ है, खो गए, कल सोने के बने हुए 2 घंटे मुझसे खो गए और हर घंटे में हीरे के बने हुए 60-60 मिनट जड़े हुए थे। जनरली खोया और पाया का नोटिस होता है तो उसमें सबसे नीचे रहता है, पाने वाले को 1000 रुपया या 2000 रुपया या उचित इनाम दिया जाएगा। इस नोटिस में नीचे लिखा हुआ था, कल मुझसे सोने के 2 घंटे जिसमें हीरे के 60-60 मिनट जुड़े हुए थे जो मुझसे खो गए, उनको पाने के लिए किसी भी तरह का इनाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वे हमेशा हमेशा के लिए सदा सर्वदा के लिए खो चुके हैं या जा चुके हैं। बाप रे, MSc के बाद जब मैं बहुत उस समय आदर्शवादी था, रोज जब इसको देखता था तब मुझे लगता था कि आज प्रभु ने मुझे जो 24 घंटे दिए हैं इसमें से एक मिनट भी मुझे वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। तो प्रभु ने आपको जो नौकरी दी है वो नौकरी आपकी पूंजी है, उसके साथ साथ प्रभु ने हर दिन प्रभु आपको जो 24 घंटे देते हैं वो आपकी पूंजी है। प्रभु ने आपको बोली दी है जिससे आप दूसरों से बोल सकते हैं, उस बोली का उपयोग जो है वो भी पूंजी है, क्योंकि उस बोली के द्वारा हम चाहें तो दूसरों को नष्ट कर सकते हैं, चाहें तो दूसरे को उसके जीवन में प्रोत्साहित कर सकते हैं। मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने जो कुछ दिया है वो सब कुछ हमारे लिए आत्मिक पूंजी है, इस बात को हम ना भूलें। और उस पूंजी के बारे में प्रभु का आदेश यह है कि हम उसका विनिमय करें, उसका उपयोग करें। विनिमय का मतलब है इस तरह से उपयोग करें कि उससे और अधिक इनकम हो सके, और अधिक इनकम हमको मिले, ब्याज मिले। इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके बारे में आने वाले दिनों में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, कि जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं उस क्षण प्रभु हमको एक आत्मिक वरदान भी देते हैं। आज समय मिले तो 1 कुरिन्थियों 12, 13 और 14 जरा खोलकर पढ़ लें। 1 कुरिन्थियों 12, 13, 14 वहाँ पर स्पष्टतया बहुत ही व्यक्त तरीके से लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार हमको आत्मिक वरदान देते हैं। तो ना केवल हमको सांसारिक जगत में प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बल्कि हमारे उद्धार के समय या जिस क्षण हमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था उस क्षण प्रभु ने हमको कई आत्मिक वरदान भी दिए हैं, कम से कम एक तो दिया है। और उन आत्मिक वरदानों के बारे में प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उसका उपयोग भी प्रभु के लिए करें, जिससे कि प्रभु ने जो पूंजी हमें दी है वो दिन रात दुगनी हो जाए, चौगुनी हो जाए। हम खुद जानते हैं कि जब बैंक में पैसा जमा किया जाता है तो लगभग 8 साल में दुगना हो जाता है,
16 साल में 4 गुना हो जाता है, 32 साल में वो 8 गुना हो जाता है, और इसीलिए लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं। लेकिन मान लीजिए उस पैसे को कम से कम एक 10 बार मल्टीप्लाई गुणित होने का समय दे दिया जाए तो वो राशि इतनी बड़ी होगी कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मुझसे और आपसे प्रभु ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको जो पूंजी दी है उस पूंजी का उपयोग नियमित रूप से विश्वास योग्यता के साथ हम करेंगे, जिससे कि उस पूंजी के द्वारा बहुत अधिक इनकम हो सके। 15वें पद में हम पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी उन्हें अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। याद रखें, आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु ने आपको पूंजी के रूप में रोजी रोटी नौकरी समय शारीरिक योग्यता बोली और उसके सबसे ऊपर प्रभु ने आपको एक आत्मिक वरदान कम से कम दिया है, जिसके बारे में कल प्रभु हमसे हिसाब पूछेंगे। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। जब मैं और आप प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तब क्या होगा, उसका एक वर्णन यहाँ पर हम देखते हैं। प्रभु ने दासों को बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया। 16वां पद, तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, आपकी मोहर से 10 और मोहरें कमाई है। बाप रे, उसको जो पूंजी मिली थी उसका 10 गुना उसने कमाया था। प्रभु जब ये उपमा देते हैं या ये कहानी सुनाते हैं तो उसके द्वारा प्रभु हमको बहुत स्पष्टतया ये बात बताना चाहते हैं कि प्रभु ने हमको जो दिया है उसका 10 गुना कमाया जा सकता है, शारीरिक तौर पर, सांसारिक तौर पर और आत्मिक तौर पर 10 गुना कमाया जा सकता है। और यदि हम नहीं कमाते हैं तो उसका मतलब है कि प्रभु ने हमको जो पूंजी दी है उसका विनिमय हम सही रीति से नहीं कर रहे हैं। 17, स्वामी ने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। यहां पर कई बातें हम देखते हैं। प्रभु ने जो पूंजी दी थी मेरे और आपके हिसाब से वो बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन प्रभु के हिसाब से वो जरासी पूंजी है। और प्रभु कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जरासी पूंजी में या जरासी पूंजी को इतने विश्वास योग्यता से यूज किया वो तो वाकई में विश्वास योग्य दास है, और इसलिए अब मैं तुमको 10 शहर का मालिक या हाकिम बना रहा हूं। इसमें दो चार बातें विशेष हम ध्यान रखें। पुराने जमाने में लोगों को जागीर मिलती थी। जागीर का मतलब है 10 गांव या 20 गांव या 50 गांव जो है वो मेरे अंडर है, और इन सारे गांवों में लोग जो टैक्स देते हैं वो मेरे पास आएगा, मैं उसमें से एक पोर्शन राजा को दूंगा लेकिन बाकी सब मेरा होगा। तो जब स्वामी ने अपने दास से कहा कि तू 10 शहरों का या 10 गांवों का स्वामी हो जा, तो उसका मतलब है कि एक मोहर के कारण या एक मोहर के उपयोग में उसने जो विश्वास योग्यता दिखाई थी उसके कारण अब 10 गांव उसके अंडर है। इन 10 गांवों में हजारों लोग हैं और ये हजारों लोग हर दिन हर महीने और हर साल जो कमाते हैं उस सब का टैक्स इस व्यक्ति को देंगे जो उसका मालिक है। तो प्रभु ने उसको कितनी बड़ी धनराशि एकदम से दे दी है, इस बात को हम ध्यान रखें। इस कहानी के द्वारा प्रभु ये बताना चाहते थे कि जब प्रभु देते हैं तो प्रभु ये उम्मीद करते हैं कि हम उसका उपयोग करेंगे, और यदि हम विश्वास योग्यता से उसका उपयोग करेंगे तो उसका प्रतिफल प्रभु देंगे, और वो प्रतिफल प्रभु ने हमको जो पूंजी दी है इस पूंजी की तुलना में वो प्रतिफल इतना बड़ा होगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं।
यहाँ आगे बढ़ने के पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे आसपास कितने ही लोग हैं जो बस सुबह ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दिन में एक बार मुझे खाने को मिल जाए। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, खासकर इसलिए कि मैं जिस एरिया में बीच बीच में जाता हूँ, जहाँ पर मेरी सारी पढ़ाई लिखाई चंबल, वहाँ के गांवों में जाते हैं तो कई बार लोगों की भूखमरी देखकर दिल को बहुत दर्द पहुँचता है। आज भी याद है, आज से कुछ साल पहले जब मैं वहाँ के गांव में गया तो गांव में एक आदमी साइकिल पर पीछे एक बक्सा रखे हुए घंटी बजाते हुए आ रहा था। हम जानते हैं इस तरह से घंटी बजा के लोग जो है मिठाई, टॉफ़ी और बहुत सारी, ये आइसक्रीम वाला था, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचने के लिए आया, घंटी बजाई, गांव से बच्चे दौड़ दौड़ के आए, आइसक्रीम दे दो चाचा, आइसक्रीम दे दो चाचा। जाके अपने घरों से बड़ी कटोरी गेहूं लाओ, उसने बोला। बच्चे अपने घरों में गए और उनके पास जो सबसे बड़ी कटोरी थी, एक्चुअली कटोरी क्या, बड़ा कटोरा था, भर के गेहूं लाए, चाचा को दिया, चाचा ने अपने थैले में डाला और पानी से बनी हुई जो आइसक्रीम होती है ना, सबसे सस्ता जो होता है, एक एक थमा दिया। मैं ये सारी घटना अपने एक विद्यार्थी के साथ खड़े होकर देख रहा था, केरल का मेरे एक विद्यार्थी है जो अक्सर मेरे साथ चंबल में उस समय जाता था। सबसे आखिर में मैं जिस घर के सामने खड़ा था वहाँ से एक बच्चा आया, जरा सी कटोरी उसने, छोटी सी कटोरी गेहूँ लाके चाचा को दिया। चाचा बोले, नहीं बेटा, इतने में मैं तुमको आइसक्रीम नहीं दे सकता। वो रोते हुए अपने माँ के पास गया। माँ ने जरा सी और बड़ी कटोरी में उसको गेहूँ दिया। वो ले जाके आइसक्रीम वाले को उसने दिखाया तो बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, इतने में आइसक्रीम नहीं। वो वापस गया, अपनी माँ से बोला कि थोड़ा सा और गेहूँ दे दो। माँ ने एकदम से डांट दिया, घर में खाने को गेहूँ नहीं है और तुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है। वो बच्चा बहुत ही दर्दनाक तरीके से रोने लगा। मैंने अपनी आँखों से देखा, आइसक्रीम वाले से मैंने इशारा किया कि दे दो, मैं तुमको पैसे दे दूँगा। मेरे लिए उस आइसक्रीम की कीमत बहुत छोटी सी राशि थी, शहर में पढ़ के, शहर में जो आदमी सेटल हुआ है उसके लिए छोटी सी राशि, लेकिन उस बच्चे के परिवार के लिए इतनी बड़ी राशि थी कि उसकी माँ उसको नहीं दे सकती थी। अभी कुछ महीने पहले फिर से मैं गया तो वहाँ एक लोहार बैलगाड़ी पे वो सारा सामान लाद के गांव में जाते हैं, गांव में जाके कुल्हाड़ी की धार जो है वो तेज करते हैं और उनको जो कुछ चाहिए वो सब बना के देते हैं। तो मैं पास जाके खड़ा हो गया ऐसे ही, तो उसकी बेटी आकर माँ से शिकायत करने लगी कि माँ भूख लग रही है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, सारे गांव में मैं घूम के आई हूँ, कोई कुछ खरीद नहीं रहा है। बेटी रोने लगी। उस समय क्या हुआ था, बाय चांस एक आदमी वहाँ सिंघाड़े बेचने के लिए आया था, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के सिंघाड़े, तो मैंने एक दो किलो ले लिए थे। ये देख के जो है मेरा मन दहल गया, मन बुरी तरह से दहल गया कि खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। मेरे पास जो सिंघाड़े थे मैंने कहा कि ये रखो खाओ, तुम बच्चे लोग जो है, वो भाई बहन थे, दो जने थे, खाओ। ये तो स्थिति है हमारे आसपास ये 21वीं शताब्दी में। ऐसे लाखों लोग हैं जो मेरे और आपके आसपास हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन मैं और आप आज भर पेट खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। कई बार हम पुराने कपड़े लेके इन गांव में जाते हैं तो लोग टूट पड़ते हैं। मुझे और आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु ने मुझे और आपको बहुत दिया है,
उससे हम किस तरह से विनिमय कर रहे हैं, ये मुझे और आपको एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए। पहला जो दास आया था उसने कहा कि प्रभु आपने मुझे एक दिया, मैंने उसका 10 गुना कमा लिया है। प्रभु ने उसकी प्रशंसा की। उसके बाद दूसरे ने आके कहा, दूसरे ने आकर कहा, स्वामी आपकी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं, कम है लेकिन फिर भी कम से कम उसको जो मिला था उसका 5 गुना है। स्वामी प्रसन्न हुए और स्वामी ने कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। प्रशंसा नहीं की, इस बात को ध्यान दे, पहले वाले की बड़ी प्रशंसा की, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, दूसरा लाया उसकी प्रशंसा नहीं की, उसको प्रतिफल जरूर दिया कि हाँ तूने 5 और कमाए, तू 5 शहरों का अधिकारी हो जा, आइंदा इन गांवों से या नगरों से जो भी टैक्स आएगा वो तेरी जेब में जाएगा। अब जरा तीसरे दास को देखें, 10 थे उसमें से 3 के बारे में प्रभु यहां बताते। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देख, देखिए आपकी मोहर यहां है जिसको मैंने रूमाल में बांध के रखा था। उस जमाने में लोग पैंट तो पहनते नहीं थे, तो इसलिए जेब तो थी नहीं, तो रूमाल में बांध के जो है उसने यहां शायद अपनी अंटी में जो है खोस रखा था। मैं तुझसे डरता था, मैं आपसे डरता था, आप कठोर मनुष्य हैं, जहां आपने नहीं रखा वहां से उठाते हैं, जहां नहीं बोया वहां से काटते हैं। कैसी बात है, एक गुलाम अपने स्वामी से इस तरह से जवाब दे, ये कैसी बात है। हे स्वामी आप कठोर हैं, बिना बोए काट लेते हैं, बिना दिए ले लेते हैं। अरे वो दास इस बात को भूल गया कि वो इस पूरे विश्व के सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बात कर रहा है, और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से वाद विवाद करके जीत नहीं सकता है। हाँ उससे विनिमय करने को बोला, उसने नहीं किया, कम से कम वो जाके स्वामी के पैर पे गिर के बोल सकता था, स्वामी मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझसे धंधा पानी होता नहीं है, मैं नहीं जानता कैसे करना है, और इस कारण मैंने वो आपने जो सोने का टुकड़ा दिया था उसको छुपा कर रखा, मुझे क्षमा कर दे। यदि इस तरह से बोलता तो कम से कम स्वामी उसके साथ थोड़ी बहुत रियायत करता, लेकिन वो तो सीधे सीधे जाके स्वामी जो उसकी छाती पर मूंग दलने लगा, आप कठोर मनुष्य हैं, आप ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बिना बोए काटते हैं लूटते हैं। मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे बीच जिस व्यक्ति ने प्रभु ने उसको जो कुछ दिया है उसको समझा नहीं है, कल को जब वो प्रभु के सामने खड़ा होगा तब इसी तरह से बिना आभार के वो प्रभु से बोलेगा। ये मूर्ख जिसके सामने बाकी दासों ने हिसाब दिया, कम से कम इतना तो उसको समझना चाहिए था कि देखो उसने मेहनत की और अब उसको कितना बड़ा फल मिल गया है, दूसरे ने मेहनत की उसको कितना बड़ा फल मिल गया है, और मैं ही कैसा मूर्ख हूं, कैसा बेवकूफ हूं जिसने ये सब नहीं किया और जो है जो मिलना था वो भी रह गया। नहीं समझा, बल्कि जाके स्वामी की बुराई, मतलब अपनी गलती के लिए स्वामी की बुराई करने लगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने मुझे और आपको अपने जीवन में बहुत कुछ दिया है जिसके हम योग्य नहीं हैं, और जो दिया है उसका उपयोग करने को बोला है, और जब हम उसका सही उपयोग करते हैं तो न्याय के दिन प्रभु हमको इतना सब कुछ देते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन प्रभु के बच्चों में से, प्रभु के दासों में से ऐसे भी कुछ निकलते हैं या निकलेंगे जो ना केवल उनको जो मिला है उसका विनिमय नहीं करते, बल्कि जाके प्रभु को आंखें दिखाते हैं कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया तो ये आपकी गलती है। ऐसा ना सोचें कि हम बच जाएंगे। देखिए मैं 22वां पद पढ़ के सुनाने जा रहा हूं,
प्रभु ने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तुम जानते थे कि मैं कठोर मनुष्य हूं और जो मैंने नहीं रखा उसे उठाता हूं, जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो मेरी पूंजी तुमने सर्राफों को क्यों नहीं दे दिया? सर्राफ जो सोने और चांदी का बिजनेस करते हैं, प्रभु यीशु के जमाने में सर्राफ लोग बैंक चलाते थे। उस जमाने में दो जगह बैंक्स होते थे, एक जो सोने चांदी का बिजनेस करते थे, ऐसे सर्राफों को दे दो, आपको कुछ नहीं जानना, आपके पैसे की गारंटी है कि पैसा खोएगा नहीं, समय आने पर पैसा और उसका ब्याज आपको वापस मिल जाएगा। दूसरा तरीका, उस जमाने में जो मंदिर होते थे वहां पर आप ले जाके बाकायदा पैसा जमा कर सकते थे और वहां पर जो पुरोहित लोग होते थे वो उस पैसे से बिजनेस करते थे और बाद में आपको पैसा वापस कर देते थे। ये उस जमाने के बैंक थे। प्रभु ने कहा कि देखो, यदि तुम जो है, पहली बात तुम मेरे दास हो और मैंने तुमको वो दिया जिसके तुम योग्य नहीं है, और अब तुम मेरी बुराई कर रहे हो और बुराई करने के लिए तुम सोचते हो कि तुमने बड़ा स्मार्ट आर्ग्यूमेंट मेरे सामने रखा है, तुम सोचते हो कि तुम बहुत चालाक हो और तुम्हारा जो वाद प्रतिवाद है वो मुझे मेरी जुबान बंद कर देगा, मैं तुम्हारी बोली तुम्हारी वाणी से तुमको दोषी ठहराता हूं। तुम खुद कह रहे हो कि मैंने जो रखा नहीं है उसको उठाता हूं, मैंने जो बोया नहीं उसको काटता हूं। तो मेरे दुष्ट दास, वो जो पूंजी मैंने तुमको दी थी वो सर्राफों को दे देते तो मैं आकर ब्याज सहित उसे वापस ले लेता, ऐसा तूने क्यों नहीं किया? तीन दासों के बारे में देखा, उनको जो पूंजी थी दी गई थी उसके बारे में देखा। इससे आज शाम को मैं मेरी वाणी जो लोग सुन रहे हैं सबको ये याद दिलाना चाहता हूं कि मैं और आप जब प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमको ऐसे ही अनाथ नहीं छोड़ देते, बल्कि प्रभु हमें अपने पास बुलाकर अपनी इच्छा के अनुसार हमको पूंजी देते हैं, समय, रोजी रोटी, घर, समाज, बोलने की शक्ति, बुद्धि, और इन सब के ऊपर प्रभु हमको एक आत्मिक वरदान, कम से कम एक वरदान देते हैं। इन सब का उपयोग हमको संसार में और आत्मिक जीवन में इस तरह से करना है जिससे कि मैं और आप अपने सामान्य जीवन के साथ साथ प्रभु के लिए भी कुछ कमा सकें। इस बात को ना भूलें कि हर दास को हिसाब देना पड़ेगा। उस बात के संदर्भ में मैं आज शाम को ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रभु ने आपको जो कुछ दिया है उसका उपयोग क्या आप इस तरह से कर रहे हैं कि प्रभु के लिए उसके द्वारा आप कुछ कमा सके? कल को जब प्रभु के सामने खड़े होंगे तब क्या ये बोल सकेंगे, प्रभु आपने मुझे रोजी दी, अन्य लोगों की तुलना में मुझे बहुत अच्छी रोजी दी और उसके द्वारा मुझे जो इनकम हुआ उसका उपयोग मैंने अपने पोषण के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए, अपने बाप दादों के पोषण के लिए और दूसरों की मदद के लिए, और हाँ प्रभु आपकी सेवा के लिए भी मैंने उस धन का प्रयोग किया, इस तरह से हम बोल सकेंगे क्या? क्या हम ये बोल सकेंगे कि प्रभु मुझे आपने ऐसी जगह रखा जहां मेरे चारों तरफ कई लोग थे जो आपको नहीं जानते थे, मैंने उनमें से हर व्यक्ति को प्रभु यीशु के बारे में और प्रभु के द्वारा जो नव जीवन, जो नया जीवन मिलता है उसके बारे में बताया? हिसाब देना पड़ेगा, उस समय मेरा और आपका क्या जवाब होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दुष्ट मन के कारण हम प्रभु की सेवा करने के बदले अपना सारा समय, सारा धन और जीवन में जो भी अवसर प्रभु ने हमको दिए वो सब बर्बाद करें और बाद में न्याय का दिन होगा तो हम प्रभु के सामने खड़े होकर, प्रभु ये तो आपकी गलती है, मुझे इससे अच्छे माँ बाप मिलने चाहिए थे, मुझे इससे अच्छा समाज मिलना चाहिए था, मुझे इससे अच्छे एजुकेशन मिलना चाहिए था, इससे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए थी। प्रभु का जवाब होगा कि अरे मैंने तुमको जो दिया उसका तो उपयोग तुमने किया नहीं और तुम चाहते कि उससे अच्छा दूं, मतलब मैंने टेस्ट के लिए तुमको जो दिया, जांच के लिए तुमको जो दिया उसका तो उपयोग तुमने किया नहीं, तो इससे बड़ा देता तो तुम क्या करते?
हम खुद जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले छोटी जिम्मेदारी दी जाती है, और यदि वो छोटी जिम्मेदारी में विश्वस्त निकलता है तब उसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। प्रभु का यही उत्तर होगा मुझसे और आपसे कि मैंने तुमको छोटी जिम्मेदारी दी, उसमें तुमने क्या किया। प्रभु ने उस दास से जो कहा था उसको ध्यान से सुने। जो लोग निकट खड़े थे उससे स्वामी ने कहा, वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरे हैं उसको दे दो। इस बात को कभी ना भूलें कि प्रभु ने हमको जो कुछ दिया है वो हमारी योग्यता से बहुत ऊपर है। हमें लगे या ना लगे लेकिन है हमारी योग्यता से ऊपर, और उसका उपयोग हमको करना ही है। और यदि जो नहीं करेगा, प्रभु की यह वाणी है कि उसके पास जो कुछ है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये बाइबल का एक शाश्वत नियम है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। आज मेरी वाणी जो लोग सुन रहे हैं, मेरा अनुमान है कि सभी लोगों ने प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके नव जीवन पाया है। उस नए जीवन के अनुभवी लोगों के रूप में प्रभु ने मुझे और आपको जो पूंजी दी है उसका उपयोग हम किस तरह से कर रहे हैं, इस बात को एक बार और ध्यान से देखें। समय दिया है परमेश्वर के वचन का पठन, मनन, ध्यान, इसको ना भूलें। प्रार्थना करना ना भूलें। ये दोनों चीज़ें डेली प्रतिदिन हमारे जीवन में होना जरूरी है, और उसके साथ साथ प्रभु इस तरह से जो संगति देते हैं वहाँ पर प्रभु के बच्चों के साथ संगति के लिए जाना जरूरी है, जिससे कि हमारा आत्मिक जीवन पूरी तरह से उत्साह से भरा रह सके। तो आज मैंने ये जो संदेश दिया उसका सार यह है कि प्रभु ने मुझे और आपको हमारी योग्यता से बहुत अधिक सब कुछ दिया है, उसका उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हिसाब देना पड़ेगा। उपयोग किया या नहीं किया, हिसाब देना पड़ेगा। हम काश इस तरह का जीवन बिताएं जिससे कि प्रभु ने जो समय दिया है, जो रोजी दी है, जो कुछ दिया है और जो आत्मिक वरदान दिया है उससे हम और अधिक पूंजी कमा सकें। यदि मेरी आवाज़ जो लोग सुन रहे हैं उसमें से यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, प्रभु ने आपको नया जीवन देने के लिए सूली पर अपना जीवन दिया, बलिदान किया। कल आपको भी हिसाब देना पड़ेगा जब प्रभु आपसे पूछेंगे, पुत्र पुत्री, यीशु ने तुम्हारे लिए अपना जीवन बलिदान किया था सूली पर, और तुम जीवन में इस बात को कम से कम 100 बार मेरे दासों के द्वारा सुन चुके हो। तुमसे मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा कि उस बलिदान को ग्रहण करो, तुमने नहीं किया, कैसी बात है। तब मेरा और आपका क्या जवाब होगा। और इस कारण यदि मेरी वाणी जो लोग सुन रहे हैं उनमें से यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो इस मीटिंग के बाद निश्चित रूप से इन बातों के बारे में एक दूसरे से पूछकर समझकर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लीजिए। प्रभु ने इस तरह से जो अवसर दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। हर संडे इस तरह से जब एकत्रित होते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आकर आत्मिक जीवन में अनुग्रह पाना ना भूलें। प्रभु आपको अपना हर तरह का अनुग्रह दें।